दोस्तों, एक हफ्ते के लिए इस पाउडर को दही में मिक्स करके खा लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके जोड़ों की जो ग्रीस है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, वो खत्म होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं। आपके जोड़ आपस में टकराने लगे हैं, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। दोस्तों, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है या फिर शरीर के अंदर ओमेगा 3 की कमी हो चुकी है, तो उसे दूर करने के लिए तो आपको रोजाना इस पाउडर का सिर्फ 1 चम्मच दही के साथ लेना है। दोस्तों, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रही है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई रोजाना खानी पड़ती है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है, आप मधुमेह के शिकार हो चुके हैं, आपके अंदर फैट यानी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आपका खून गाढ़ा हो रहा है जिसके कारण आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है, आपको दिल से संबंधित कोई समस्या हो चुकी है, आपकी जोड़ों से हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, दर्द होता है, तो दोस्तों आपको रोजाना इसका सिर्फ 1 चम्मच दही के साथ सेवन करना है। दोस्तों, जानते हैं ये कौन सी चीज है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और कुछ लोगों ने अगर इसका सेवन नहीं करना तो वो कौन से लोग हैं। दोस्तों, ये है अलसी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, यानी कि उनका बीपी कंट्रोल होता ही नहीं है, वो रोजाना इसकी दवाई खाते रहते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आप अलसी का सेवन रोजाना इसी तरह पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो आर्टरीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देता है और आर्टरीज में जमे LDL कोलेस्ट्रॉल को यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है, जिससे आप दिल के खतरे से बचे रहेंगे। अलसी के अंदर फाइबर और लिगनेंट होते हैं और ये दोनों तत्व ही कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करते हैं और हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। इसकी दूसरी तरफ, आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उनके कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके जोड़ों में सूजन आ चुकी है, तो उनको रोजाना अलसी का सेवन दही के साथ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आखिर ये कार्टिलेज घिसते क्यों है, आपको ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी आप खाना खाते हैं वो अच्छे से नहीं पचता और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण वो जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं और जोड़ों के कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं, जिसे जोड़ों का फ्लूड कहा जाता है या ग्रीस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रोजाना इस तरीके से अलसी का सेवन दही के साथ करते हैं, तो अलसी का काम है हमारे पाचन तंत्र को बढ़ाना, यानी जो भी हम खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, जो टॉक्सिन्स होंगे वो शरीर से बाहर हो जाएंगे, हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बचा रहेगा, जिसके कारण ये जोड़ों का लुब्रिकेंट यानी जिसे साइनोवियल फ्लूड या कार्टिलेज कहा जाता है, वो डैमेज नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, अलसी के बीजों के अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि जिनको कब्ज की समस्या है, उनको भी रोजाना इसका सेवन दही के साथ पाउडर बनाकर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अलसी के अंदर लिगनेंट जो पाए जाते हैं, वो हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं की फंक्शनिंग में बहुत काम करते हैं। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में कोई ट्यूमर हो रहा है, गांठ हो रही है, तो उनको रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी का सेवन से वो ट्यूमर अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, यानी कि नसों के रोग हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, नसों में ब्लॉकेज आने से वो हाथ पैर सोने लगता है, सुन होने लगता है, तो अलसी के अंदर ALE यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो शरीर के अंदर जो नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है उसको दूर करने का काम करता है। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं या बहुत ज्यादा रूखापन होता है, फेस पर ग्लो बिल्कुल नहीं होता, वो कारण क्या है, खून का साफ नहीं होना। अगर आप रोजाना अलसी का सेवन दही में मिक्स कि इस तरीके से करते हैं, तो आपका खून साफ हो जाएगा और खून बढ़ने लगेगा। अगर आपका खून गाढ़ा या फिर खून गंदा हो चुका है, तो वो साफ हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अलसी का सेवन रोजाना करते हैं, तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, आपकी आंखों में बहुत खारिश होती है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो भी आपको रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो डायबिटिक है, मधुमेह से पीड़ित है, दोस्तों मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारी बॉडी के और अंग और ऑर्गन्स भी इफेक्टेड हो जाते हैं और ऑर्गन्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, जैसे कि आंखों की रोशनी का कमजोर होना, हाथ पैर सुन होना या हाथ पैरों में जलन होना या फिर कानों से कम सुनाई देना, दोस्तों बालों का झड़ना, शरीर में मिनरल्स की कमी होना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, इनकी कमी हो जाती है अगर किसी इंसान को डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, ये अलसी का सेवन करने से न केवल डायबिटीज क्योर होती है, बल्कि उससे होने वाले बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये अलसी बहुत फायदेमंद है।
अब कुछ लोगों को ये लगता है कि अलसी को गर्मियों में नहीं खाया जाता क्योंकि इसकी तासीर तो गर्म होती है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप अलसी को रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं, या फिर आप वैसे भी पाउडर बनाकर रख सकते हैं और रोजाना दही में मिक्स करके एक चम्मच सिर्फ इसका सेवन करते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। यहाँ अलसी है, मैंने अलसी का पाउडर बना लिया है दोस्तों, और उसको एक चम्मच सिर्फ आपने दही में मिक्स करना है और रोजाना आपने दोपहर के टाइम लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।